एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, इज 8/9 ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको, तो इसको से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 आ जाना चाहिए, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, कोई भी नंबर है, ठीक है, ए नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इंटू, उसको उलट देते हैं तो 1/a हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 1 मिलना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है वहाँ पे -1 एंड 1/8 दिया हुआ है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है, तो उसका दिया हुआ है 8/9 दिया हुआ है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 मिल जाना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 हो गया और 1/9 हो गया, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 8/9। अब क्या है, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा लेकिन ये माइनस रह गया है। मतलब क्या है, मतलब ये -1 आया तो ये 1 नहीं आया, इसीलिए हम इसका आंसर में लिखेंगे नो, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है बिकॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो 1 नहीं है, -1 है, इसीलिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के पास है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इतना दिया हुआ है 3 एंड 1/3, वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही ये सेम है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें उसको मैंने लिख के रखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का जो होता है, इस तरह से उसको उलट देने पर 1 आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 एंड 1/3 इंटू, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग को 1 आ जाता है तो समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ 3 3 9 हो गया और 1 10 हो गया, यहाँ पे 10/3 हो जाएगा, और ये इसको हम पॉइंट हटाते हैं तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 1, और इसके बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 लगाते हैं, ये कट जा रहा है, कम्प्लीटली कट गया, और क्या आया, 1 आया। इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यस। क्यों है, इसको भी लिखते हैं बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज 1, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ रहा है वो 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा।